नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। आइए नजर करते हैं फर्रुखाबाद की कुछ प्रमुख खबरों पर। इटावा बरेली हाईवे पर लगे जाम में फंसकर एम्बुलेंस में फंसे मरीज व स्कूली बच्चे बिलबिला उठे। पुलिस की निष्क्रियता के चलते लोग घंटों जाम में फंसकर प्रशासन को कोसते रहे। 3 किलोमीटर लंबे जाम में फंसे लोगों ने स्वयं जाम खुलवाया। सोमवार दोपहर को मसीनी चौराहा पर इटावा बरेली हाईवे आने जाने वाले वाहन एक दूसरे के सामने आकर रुक गए। देखते ही देखते लकुला, नेकपुर और लोको रोड की आने जाने वाली रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद ऑटो में बैठे नन्हे मुन्ने बच्चे वाहनों के शोर और धुएं से बेहाल हो उठे। मरीजों को लेने जा रही 3 एम्बुलेंस पूरे समय निकलने के लिए सायरन बजाती रही, लेकिन उसके सायरन को सुनकर भी वाहन स्वामी अनसुना करते रहे। यही देखते दीनदयाल बाग से नेकपुर पुल तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। चौराहे पर जाम में फंसे मोहन कुमार, सुरेश चंद, प्रीत नारायण, अवनीश, राजू, योगेश, दिवेश आदि ने बताया कि मरसैनी चौराहे पर अस्पतालों की मंडी होने के चलते ठेली वालों से लेकर मरीजों के तीमारदार अपने वाहन को सड़क पर खड़ा कर देते हैं। इस समय आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। पुलिसकर्मी भी स्थिति को अनदेखा कर गुजर जाते हैं। लगभग 3 घंटों तक जाम में फंसे बच्चे शाम होते घर पहुँच सके। इतनी देर तक जाम लगने की खबर पुलिस को नहीं लगी। लोग पुलिस के आने और जाम खुलवाने की बात देखते रहे। वहीं वाहन चालकों ने स्वयं मशक्कत कर जाम खुलवाया। कितनी देर जाम में? आधा घंटा हो गया। तो क्या मरीज है इसमें? मरीज जिला अस्पताल से लेने जा रहे हो? क्या लग रहा है कितनी देर में खुल जाएगा जाम? जाम कोई क्लियर पता नहीं कितनी देर में खुलेगा। और भी एम्बुलेंस फंसी है इसमें? हाँ, 3 एम्बुलेंस फंसी है। 3 एम्बुलेंस फंसी है।